नमस्ते, आओ गुजराती सीखें के अगले भाग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको गुजराती में पैसेज हल करना सिखाएंगे, तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का वीडियो। सभ्यता एटले सभ्य समाज में भड़वाना गुणों। सभ्यता का अर्थ है सभ्य समाज में घुलने मिलने के गुण, भड़वाना यानी घुलने मिलने के। ए गुणों इटले मात्र पोशाक नी टाप टीप के, वाणी नी मीठा सज नहीं। इन गुणों का अर्थ केवल पहनावे की शोभा या वाणी की मधुरता नहीं, पण विचारों नी अने वर्तन नी मधुरता अने खानदानी पण खरी, बल्कि विचारों की और वर्तन नी यानी व्यवहार की मधुरता और खानदानी भी है। आपने जारे अपनी पोतानी जात ने कि आपने पोताना विचारों ने बीजाओं पर पराणे लादता अटके अने सामा माणस नी नाना मा नानी लागणी ने पण मान आपिए त्यारे आपने सभ्य बन्या गणाइए। हम जब अपने आप को, खुद को या अपने खुद के विचारों को दूसरों पर पराणे यानी जबरदस्ती थोपना बंद करते हैं और सामने वाले इंसान की छोटी से छोटी भावना को, लागणी यानी भावना को भी सम्मान देते हैं, तब हम सभ्य बने हुए कहलाते हैं। आपने सामाजिक प्राणी होवाती समाज बिना आपने चालतू न थी। हम सामाजिक प्राणी होने के कारण समाज के बिना हमें चलता नहीं है। अने समाज मा भड़वू होए तो आपने प्रिय थई पड़िए, एवा गुणों आपने केलवेज छुटको। और समाज में भड़वू यानी घुलना मिलना हो तो हमें प्रिय बनकर उन गुणों को विकसित करके ही छुटकारा मिलेगा। आपने अपना वडीलों प्रत्ये अने समोवड़िया प्रत्ये अवश्य सभ्य बनिए। हम अपने बड़ों के प्रति, वडीलों यानी बड़े उनके प्रति और समोवड़िया यानी साथियों के प्रति अवश्य सभ्य रहना चाहिए, पण एमना प्रत्येनी आपणी सभ्यता साची सभ्यता न पण होय, लेकिन उनके प्रति हमारी सभ्यता सच्ची सभ्यता नहीं भी हो सकती है। ए तो कदाच भय माथी के स्वार्थ माथी पण जन्मी होय, ये तो शायद भय या स्वार्थ में से भी जन्मी हो सकती है। आपने आपना थी नाने राव प्रत्ये अने नीचे राव प्रत्ये पण जारे सभ्य रही शकिए त्यारे ज आपनी सभ्यता साची गणाए। हम अपने से छोटों के प्रति और अपने से नीचे लोगों के प्रति भी जब सभ्य रह सकें तभी हमारी सभ्यता सच्ची कहलाएगी। साची सभ्यता घेर के बाहर मोटाओं प्रत्ये के नानों प्रत्ये सर्वत्र अने सर्वे साथे एक सरखीज मधुरता वाली होए छे। सच्ची सभ्यता घर के बाहर बड़ों के प्रति
या छोटों के प्रति सभी जगह और सभी के साथ एक समान ही, एक सरखी यानी एक समान ही मधुरता वाली होती है। तो यहाँ पर ये हमारा पैसेज समाप्त हो गया है। अब हम इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, सभ्यता शामाती प्रगटे छे। इसका उत्तर है, सभ्यता विचारोनी अने वर्तननी मधुरता तेमज खानदानी माथी प्रगटे छे। दूसरा प्रश्न है, आपने क्यारे सभ्य बनिया गणाइए। इसका उत्तर है, आपने अपना विचारों के मान्यताओं बीजा ऊपर लादता अटकिए अने सामेनी व्यक्ति नी लागणी के संवेदना ने मान आपिए त्यारे सभ्य बनिया गणाइए। तीसरा प्रश्न है, साची सभ्यता केवी होय। इसका उत्तर है, साची सभ्यता अन्य नाम वर्तन साथे एक सरखी मधुरता वाली होय। तो यहाँ पर ये प्रश्न उत्तर भी समाप्त होते हैं। तो ये था आज का वीडियो। आशा करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी तरह के नए नए टॉपिक के साथ में जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।